अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, यहाँ पे अभी से ही क्रिसमस के डेकोरेशन स्टार्ट हो गए। जैसा हेलोवीन एंड होता है वहाँ से क्रिसमस डेकोरेशंस और जो भी क्रिसमस के स्टफ्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ और यहाँ पे देखिए, हमारा एक और वेकेशन स्टार्ट हो गया। ये ज़्यादा टाइम का नहीं है, ये सिर्फ है 2 दिन का। तो यहाँ पे आए हैं हस्बैंड उनकी जॉब के काम से, और फिर मैंने भी सोचा कि ये वीकेंड है तो क्यों ना वीकेंड का फ़ायदा उठाया जाए। तो हम मैंने एक दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था और फिर हम यहाँ पे आ गए। ओके, चलो। और यहाँ पे हम लोग स्टेयर्स क्यों ले रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। हमारा जो उन्होंने रूम अलॉट किया है वो सेकंड फ्लोर पे है। तो बच्चे कह रहे थे कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द लिफ्ट एलिवेटर, वाई कांट वी गो यूज स्टेयर्स। तो ये है हमारा रूम 235। और चलिए मैं आपको रूम का यहाँ पे टूर करवाती हूँ। तो यहाँ के रूम्स जो है वो बेसिक ही होते हैं। आप चाहे बहुत अच्छी होटल ले लो या फिर ऐसी नॉर्मल होटल्स ले लो, तो इसके रूम्स जो है वो बेसिक होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डेकोरेशन इनका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमने जो लिया है, यहाँ पे 2 क्वीन बेड्स लिए हैं, तो ताकि ये तो हमको नॉर्मली हमको फिट हो जाते हैं। But actually, you gave me the phone, but you took it back. Yeah. Oh, it's so hot. You said I could have. Wait, Namira. But then you just told me no. Then I should carry it back. No, I didn't. That's not cheap. No, you're right. But you. No, what is that? और यहाँ पे देखिए, ये है वॉशरूम। और वॉशरूम तो जो नॉर्मल होता है ये वो ही है। देर इज ए इंटरनेट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा स्टे जो था वो सिर्फ 2 डेज का था, और इसके बाद हम वापस आ गए घर। तो यहाँ पे बस कोई ऐसी, यूजुअली यहाँ पे ट्रक्स नहीं आते, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी सी जो ट्रक होती है जो हाईवेज़ पे चलती है वो यहाँ पर आई। तो मुझे लगता है कि यहाँ से कोई मूव कर रहा है अपना जो सामान जो होता है, सामान इन द सेंस उनके बड़े कार्स या कुछ ऐसा होता है, तो वो इस ट्रक्स पे ऐसे यूजुअली ऐसे ट्रक्स पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे भी शायद कोई मूव कर रहा है। और यहाँ पे आपको तो पता है, बच्चे बस एक दिन के लिए जाओ या 2 दिन के लिए जाओ, अगर ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ के तो वो कार में बैठे बैठे या आप फ्लाइट में भी चले जाओ तो आप थक जाते हो। तो यहाँ पे भी सेम यही हाल है, बच्चे थक गए थे। और यहाँ पे मुझे बस कुछ स्नैक्स खाने का दिल हुआ, तो मैं ये सिंपल सा जो होता है, पता नहीं आप इसको राइस पफ्स को क्या कहते हैं, हम तो मुरमुरे कहते हैं, तो बस उसको मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा चाट मसाला, ऑनियन से टमाटो और सिलेंट्रो डाल के मैंने खूब अच्छा सा मिलाया, थोड़ा सा लेमन डाल दिया, और फिर मैं ये अपना स्नैक्स एज अ स्नैक्स इन्जॉय कर रही थी। और यहाँ पर भी देखिए, मैंने मेहंदी भी लगाई थी, और मेरे ख्याल से ये मेहंदी अब जाने के उस पर ज़्यादा, यानी मैंने लगा के भी 2-3 दिन हो गए थे। तो देखिए, इसका कलर ज़्यादा कुछ अच्छा सा आया था, लेकिन अभी 3-4 दिन टाइम हो गया है, तो इसीलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। तो मैं आपको आज ये भी बता दूं कि आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल यानी कि क्या है, आज है अफ़ान की बर्थडे। तो हम ज़्यादा कुछ ऐसा ग्रैंड सेलिब्रेशन तो नहीं करते, क्योंकि बच्चे जैसा बड़े हो जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि कुछ ग्रैंड सेलिब्रेट करें। तो जब तक छोटे रहे वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा बर्थडेज करते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं। तो अभी सिर्फ घर में मैंने सिंपल सा बना लिया था। ये जो है, हमने केक लेकर आया था सिंपल सा, ये बहुत टेस्टी केक होता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। मैं वैसे केक्स नहीं खाती, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है ये केक। और ये है ब्लैक फॉरेस्ट केक। और आज का जो हमारा मेन्यू है, ये सारा कुछ बांग्लादेशी स्टाइल मेन्यू है। तो यहाँ पे आप देखिए, चिकन करी है, साथ में पुलाव है और मटन करी है इसमें, साथ में सैलेड है, और ये जो है ड्रिंक्स है, और साथ में है ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो ये हमारा जो आज का सारा कुछ मेन्यू है, ये है बांग्लादेशी कुजीन। तो हम आज ये एंजॉय करेंगे। मुझे पसंद है कि हर जो कल्चर होता है, हर उसका मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। तो आज हमारा ये है ट्राई करने की बारी।
और अब टर्न आ गई केक कटिंग की, तो चलिए केक कट करते हैं। My brother, I want to look good. Look at their hairs. Don't cut my hair. I want it to grow until it's till my nose. Why is this random heater here? और यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि केक कटिंग से पहले हम थोड़े से फोटो शूट कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लिप्स बना लेते हैं। तो मैंने कहा सही बात है, क्योंकि एक बार आप केक कटिंग करते हो तो फिर होता नहीं है, वो सब खाने में बिजी हो जाते हैं। तो चलिए थोड़ा बहुत हम ऐसे ही कर लेते हैं फोटो शूट। तो यहाँ पे हम फोटो शूट ही कर रहे थे। Let me also come. Paji, hold this. Hold this? Sorry, hold this. Yeah. I'm like a baby. Video bhi chal raha. Does that even work? No, it's a video. That's right. Yeah, can I pause it? Yeah, pause it. Come on. Okay, I cut it now? Birthday. Yeah. Hold on. Now? Can I cut it now? Yes. Happy birthday. Cut, cut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Now in French, buddy. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Bonne fête. I have to feed you guys. Yeah, with the spoon. I don't like it. Yeah. Oh, you guys made me. And then you should ask for a gift also. Thank you. Your gift is me. You don't need anything. I don't want. Okay. No, Zan. What's my gift? A fan. I think you already got your gift. I got you a new phone. Whoa! Right. That move. Besides that. Is the cherry good? Okay. I like yeah, of course. I like other cherries. Those are like other decorations. Brother's fan. Oh God, that. No way. Did you also take pictures too? Pictures. Okay. Fine, do you like the cake? Mm-hmm. Nice. Besides the cherries on top, but yeah. What did I do now? I have to make you guys a cake. Can you give me a cherry back? No. Nobody wants another cherry. Yeah, you have lots of cherries. Okay. Dad, your turn. That's a lot of icing. Don't put me a lot of chocolate when it's my turn. Take a cherry. Give me all that icing one bite. Nothing, Dad. I'm sorry. Wow, fun. मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं किया, बस मुझे ये रखना था फन पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो टीजिंग चल रही थी भाई बहन की और नोक झोंक चल रही थी ना, तो इसीलिए मैंने रखा है। और बस आज का हमारा वीडियो इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एंजॉय द लाइफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।